मित्र प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री का जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को हमने ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया, जबकि वो कहना ये चाह रहे थे कि हम वैक्सीन देना शुरू कर दिया है सरकार ने। उसके वीडियो पर मुख्यमंत्री का एक बयान जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहा है इसको एडिट किया गया है और मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। हालांकि वो अपने प्रेस नोट में इस बात को मान रहे हैं, जिसमें लिख रहे हैं वो कि बातचीत में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कह रहे हैं कि वैक्सीन हम बड़ी तेज़ी से लगा रहे हैं। देखेंगे आप 18 से 45 वर्ष आयु के नौजवानों को ऑक्सीजन लगना शुरू हो गया है। फिर अपनी बात सुधार कर कहते हैं कि वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि सभी लोग टीका लगवाएं और कोरोना को हराया जा सकता है। उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया इसको कि इस वीडियो का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, आगे का हिस्सा वो काट दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अपनी बात को संभालते हुए साफ शब्दों में वैक्सीन कह रहे हैं। इसका मतलब कुल मिला के ये है कि मुख्यमंत्री की जबान फिसली, लेकिन उन्होंने शायद उस वीडियो के आगे उसको अपने बात को सुधार किया होगा, लेकिन जवान तो फिसली है ना मुख्यमंत्री की। अब जिसमें अब वो सफाई दे रहे हैं कि मुझे बदनाम करने की साजिश है या मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश है, अगर आप उस वीडियो का वो हिस्सा जो जिसको सीएम कह रहे हैं कि ये एडिट करके दिया गया है, इसको आप सुने। 18 से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को ऑक्सीजन लगना शुरू।